हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति धामी ब्लॉग्स। तो ये बस एक मतलब ऐसे ही मैसेज क्या है, मतलब मैं बताना चाह रही थी कि क्यों मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। ठीक है, 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे मेरा एक भी ब्लॉग नहीं आया है, क्योंकि मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा था यार। इस बीच ना पहले अचानक से विनोद की तबीयत खराब, ऐसे ही शाम को मैं तैयार हो रखी थी, साल आ रखी थी उससे मिलने के लिए, अचानक ही विनोद खड़े खड़े चक्कर आके पता नहीं उल्टियाँ अजीब सा ही हो गया, खड़े खड़े मतलब एक नॉर्मल आदमी। और फिर कल भी थोड़ा ऐसे ही चल रही थी विनोद की तबीयत, और फिर आज श्राद्ध व्राद भी था पापा का, तो ऐसे ही बिजी थी। और रात के 3 बजे से, कल रात 3 बजे से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मतलब मेरा सर ऐसा हो गया अचानक से। मैं ना कासू के लिए दूध लेने के लिए उठी, मैं किचन में जाने के लिए जैसे उठी, मैंने जमीन में पैर रखे ना, मतलब मेरा सर, मैं बता नहीं सकती, ऐसा लगा किसी ने पत्थर रख दिया, मतलब पत्थर से मार दिया, पूरा सर ही झन्ना गया मेरा। मतलब रात के 3 बजे से लेके आज मैं शाम को, अभी रात को गई इमरजेंसी में, परसों विनोद को ले गई इमरजेंसी में, क्योंकि आज पापा का श्राद्ध व्राद था, तो थोड़े देर 2 घंटे तो मैंने रेस्ट करा सुबह के टाइम पे। उसके बाद मैंने पेन किलर खाया, पेन किलर खाने के बाद थोड़ा ठीक हो गई थी। उसके बाद फिर ऐसे घर का काम वाम करा, मतलब जितना कर सकती हूँ वैसे ही। और फिर शाम को थोड़ा सो गई, मम्मी ने बोला थोड़ी देर सो जा क्योंकि ज़्यादा हो रहा था। और जैसे सोई उसके पास उठी ना, बाय गॉड, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे को होने के लिए तो मैं अभी हॉस्पिटल से आ गई वापस घर, इंजेक्शन वगैरह लगे और ग्लूकोज वगैरह और मेडिसिन वगैरह चढ़ाई, अभी भी वैसे ही है, मतलब थोड़ा रिलीफ है लेकिन मैं बता नहीं सकती मेरे को कैसा हो रहा है। इसी वजह से ना तबीयत ख़राब कभी कुछ, इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं आ रहे 2-3 दिन से। तो आई जस्ट होप ना कल मैं ठीक हो जाऊँ और कल से मैं रेगुलर वीडियोस बना पाऊँ, क्योंकि फिर मैं इतना मेहनत करती हूँ, 1 महीना 2 महीना, फिर अचानक से फिर बंद हो जाता है ना, तो सब चौपट हो जाता है मेरा। और बहुत लंबे टाइम से ना ऐसा ही चल रहा है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ और एक्टिव रहूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, वो 2-3 दिन, कभी 1 हफ्ते, कभी 2 हफ्ते, मतलब समझ ही नहीं आता मेरे को। और ऐसे सिचुएशन में ना फिर ऐसा भी नहीं होता मुझसे कि मैं वीडियो बना पाऊँ वो करूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब, तुम्हारे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है सर, मतलब कैसे ही, मतलब मेरे से नहीं हो पाता, मैं नहीं कर पाती मतलब व्लॉगिंग। उसके बाद मेरा दिमाग ही सुन हो जाता है, अभी भी थोड़ा नॉर्मल हूँ तो मैं बना लेती हूँ। ठीक है, बस यही बताना था। आई जस्ट होप कल मैं ठीक हो जाऊँ और कल से मैं रेगुलर वीडियो बना पाऊँ।